बस कीचड़ ना आए बस भाई। गाड़ी को मैं काफी नीचे तक तो लेकर आ चुका हूँ, बट मैं भगाऊंगा इतने पे तो आराम से बढ़िया। तो आज के साली वीडियो में मैं तगड़ी तगड़ी कार चलाकर अपनी ड्राइविंग स्किल्स को इम्प्रूव करने वाला। तो इसके लिए मैंने अपनी गेमिंग सेटअप पर लगा दी एक स्टीयरिंग व्हील, जिससे मैं अपनी गाड़ी को राइट लेफ्ट कर सकता हूँ और इस व्हील में सारे कंट्रोल्स भी हैं। ऑलराइट गाइस, तो इस टाइम पर मैं हूँ एक बहुत सुनसान आइलैंड पे और वेट अ सेकंड, मुझे उबड़ खाबड़ रास्तों से अपनी गाड़ी बाहर निकालनी है और मेरे को स्टार्टिंग में मिल चुकी है फोर्ड मस्टैंग। ठीक है भाई, इस गाड़ी की वैसी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी खासी है ना। बाकी ठीक है, स्टीयरिंग आराम से मोड़ता हूँ और मुझे गाड़ी को ना पहले डालना है ड्राइविंग पे। लेट्स गो, फर्स्ट गियर पे मैंने गाड़ी को डाल दिया है एंड आराम से रेस देते। ओ वेट भाई, इस गाड़ी की ना ग्रिप अच्छी नहीं है, तो मेरे को थोड़ा सा संभाल के इसे निकालना है यहाँ पर। लेट्स गो, बढ़िया। इतनी भी बुरी ड्राइविंग नहीं है भाई, इतनी अच्छी खासी, थोड़ी थोड़ी सी एक्टिंग कर रहा था मैं। अभी देखना तुम्हारा भाई क्या चलाएगा, ऐसे उड़ा दूंगा ना। वेट, पानी में नहीं गिरना भाई। पता चला अभी ड्राइविंग टेस्ट शुरू हुआ है और स्टार्टिंग में ही फेल। यार कोई भी कार मिल जाती है यार, BMW, मर्सिडीज, एक बार को मेरे को कोई सस्ती सी गाड़ी दे देते भाई, पोलो वोलो, वो भी चल जाती। बट ये मस्टैंग यहाँ पर बहुत फिसल रही है और स्टीयरिंग पे जो फील हो रहा है मेरे को घड़गड़ घड़गड़, वो बहुत नेक्स्ट लेवल है। बाकी ठीक है, शायद से उबड़ खाबड़ रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं है, थोड़ा सा आगे ले जानी है। और वैसे भी ये भी एक ड्राइविंग टेस्ट का ही पार्ट है, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, अपने इंडियन रोड्स भी काफ़ी मैच होते हैं इस टाइप के रास्तों से, मतलब कहीं कहीं पर। अभी ठीक है, यहाँ रास्ता ठीक है भाई। यार ये घने जंगलों में ना कसम से बड़ा ही डेंजरस मामला है इस गाड़ी को चलाना। बाकी ठीक है, शायद से मैं मेन रोड मतलब ढंग के रास्ते पे पहुंचने वाला हूं। बस थोड़ी सी और यहां पर गाड़ी खींचनी है। क्या डर्ट उड़ रही है ना, एकदम ऐसे प्यारा सा मजा आ रहा है देखने में। अबे वेट, मेरे को लग रहा था अच्छा रास्ता आ जाएगा, ये तो और ख़तरनाक जंगल आ गया। मेरे को तो लग रहा है आज मैं मस्टैंग से ऑफ रोडिंग करने वाला हूँ भाई पूरी। बट ठीक है, यहाँ पर रास्ता धीरे धीरे थोड़ा ठीक होता नजर आ रहा है। स्टीयरिंग मोड़ो, लेट्स गो वापस। मैं थोड़ी धीरे चला रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ बस मेरी गाड़ी रुक जाए। वैसे मैं ड्राइवर नहीं हूँ, मैं रेसर हूँ भाई। वो मिनट रुक जाओ बस, तुम मेरे को मेन रोड पे तो आने दो, अभी दिखाता हूँ। लेट्स गो। अबे क्या है यार ये रास्ता भाई, देख लो अभी तक मैंने गाड़ी कहीं पर भी टच नहीं कराई और जो धुआं आ रहा था ना वो भी आना बंद हो गया है। तो इतना तो समझ जाओ भाई मेरी ड्राइविंग है तो तगड़े हो आराम से। भाई मेरे को ना थोड़े साइड एंगल्स देख के चलने पड़ेंगे। ठीक है, बढ़िया। तो चलो भाई, फाइनली ऊबड़ खाबड़ रास्ते खत्म और अब आ चुका है प्लेन रोड। और अब मैं दिखाता हूँ आपको हैवी ड्राइवर किसे कहते हैं। इतनी देर से मैं मजाक कर रहा था भाई, अब देंगे फुल थ्रोटल। और एक सेकंड, यहाँ पर थोड़ी सी स्पीड कम, ये जगह थोड़ी सी बढ़िया है। नेक्स्ट वाले कट पे बस आप ड्रिफ्ट देखना। 3, 2, 1 बस। थोड़ा मैं जाली में भिड़ सकता था बट नहीं यार। वैसे यार मुझे ना यहाँ पर कहीं पे सुपर कार मिलने वाली थी, ऐसा मतलब गेम ने कहा था। वेट, सामने ही खड़ी है भाई सुपर कार बुग। एक सेकंड, ये बुगाटी, ये तो फिर हाइपर कार होगी ना। लेट्स गो, जल्दी से चलकर बैठते हैं इसमें। और ये तो भाई मस्टैंग इतनी पावर दे रही है, तो भाई इसका क्या होने वाला है। ऑलराइट गाइस, तो अभी मैं आ चुका हूँ बुगाटी शेरॉन के अंदर और मुझे इसे चलाने में थोड़ा बहुत डर लग रहा है। और टास्क है इसे लेकर जाना है माउंटेन के टॉप पे। ठीक है भाई, सबसे पहले इसे डालते हैं ड्राइविंग मोड पे और आराम से मैं इसे चलाने वाला हूँ भाई। स्पोर्ट्स पे ना बाद में डालो। ओए अभी एकदम लाइट सी रेस है भाई, क्या हो गया। बिल्कुल प्यार से चलाने वाला हूँ, मेरे को भैया थोड़ा बहुत ना डर लग रहा है। पता चला ये कुछ ज़्यादा तेज़ भाग जाए और सामने जाकर भिड़ जाए। पहले धीरे धीरे चलाता हूँ, उसके बाद इसकी आराम से स्पीड बढ़ाएंगे। ठीक है, थोड़ा हाथ बैठा लूँ ना। अभी अभी चले 30 किलोमीटर पर आवर। इतने पर तो भाई बंदे साइकिल चलाते हैं, बट ये 0 से 200 पहुँचने में 2 सेकंड लेगी, तो इसलिए मेरे को 2 सेकंड का भी टोटल फुल नहीं देना है, वरना ये आउट ऑफ कंट्रोल हुई ना तो पता नहीं कहीं जाके भिड़ने वाली है। और मैं चैलेंज में फेल नहीं होना चाहता हूँ। लेट्स गो भाई, सीधा रास्ता आ चुका, मैं भगाऊंगा इतने पे तो। ओह आराम से बढ़िया। वेट भाई, इसका स्पॉइलर देख रहे हो पीछे कैसे निकल कर आ गया। देखो साइड से देखो, इसका स्पॉइलर का मस्त निकल कर आया जैसी मैं ब्रेक दे रहा हूँ। बट ठीक है ना यार, अभी बहुत बात है क्योंकि गाड़ी भगाते हैं, मेरे को गाड़ी को लेकर जाना है माउंटेन के टॉप पे। वेट आराम से उसके गाड़ी में ना इतनी तेज स्पीड पकड़ती है कि पीछे वाला टायर फिसलने लग जाता है। लाइक मैं राइट लेफ्ट मोड़ भी नहीं रहा हूँ बट ये मुड़ने लग जाती है। तो ये है माउंटेन पे ऊपर जाने का रास्ता, फटाफट से गाड़ी को इस पे लेकर चलते हैं। और मैं थोड़ी क्लाइंबिंग के टाइम पे थोड़ी सी स्लो रखूंगा, क्योंकि मेरे को आगे का ना कट नहीं पता कितना एक्सट्रीम है। जैसे ये आ गया अचानक से और यहाँ पर अभी अगर तेज स्पीड में आती तो भिड़ जाती गलत। अबे एक सेकंड, ये कहाँ पर आ गए। हेलो, कौन रहता है यहाँ पे, रास्ता बंद है तो। एक सेकंड, शायद से मैं यार थोड़ा सा ना गलत आ गया हूँ, इतनी मेहनत से क्लाइम कर आया वो भी गलत जगह पे। छी, ओके गाइस, तो अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ सही रास्ते पे। और एक चीज़ दिखाऊँ, ये देखो गाड़ी को अंदर चलाने से भी एक अलग ही फील आ रही है फिलहाल। एक सेकंड, अभी मेरे को यहाँ से राइट को मोड़ना है और ये है सही रास्ता जो कि माउंटेन के एकदम टॉप पर लेकर जाने वाला है।
वैसे मैं ना बहुत सैड फील कर रहा हूँ यार, मतलब मेरे को बुगाटी मिली है और मेरे को तेज चलाने का मन कर रहा है, बट रास्ते ऐसे हैं कि मैं धीरे ही चला सकता हूँ। वैसे नहीं यार, चलाने वाला बंदा यहाँ भी तेज चला सकता है अगर उसे ड्रिफ्ट अच्छी आती है तो। मैं ट्राई कर रहा हूँ इसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आर ही मेंटेन रखूँ, बट मैं दूंगा रे इस भाड़ में जाए। नहीं, अभी बच गया। ब्रेकिंग अच्छी है भाई, टेंशन नहीं है, मैं तेज भगा सकता हूँ, गाड़ी रुकती भी बहुत फास्ट है। बढ़ी गया यार तुम्हारा भाई, इतने पतले पतले रास्तों पे 70 की स्पीड पे चला रहा था। गाड़ी कहाँ जाके घुसी है, वेट यार इसको निकालूंगा कैसे मैं। ओके, रिवर्स गियर पे डाल के मैंने जैसे तैसे खींच तो दिया। गाइस अभी ना कुछ मेजर प्रॉब्लम हो गया गाड़ी में, इसका टायर अपने आप मुड़ रहा है। जो एक रोड होती है ना जो स्टेयरिंग से व्हील पे कनेक्ट होती है, आई थिंक वो टूट गई है, उसमें कुछ तो हो गया। मैं स्टेयरिंग घुमा रहा हूँ बट टायर को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है भाई, उसको मतलब ही नहीं अभी मेरे से। मैं एक बार ट्राई करता हूँ धीरे धीरे ड्राइव करने का, मतलब हल्का फुल्का तो हो रहा है कंट्रोल, बट बहुत डिले या फिर बीच में दिक्कत हो जा रही है भाई। रुक जा और नहीं ठुकना। तो भाई देखो अपनी बुगाटी शेरोन तो टूट फूट चुकी है, चलने का नाम नहीं ले रही, और मुझे पहुंचना है माउंटेन के टॉप पे ऑफ रोडिंग टास्क कंप्लीट करने के लिए। फिलहाल हाँ, मैं सुपर कार टास्क में भी फेल नहीं हुआ क्योंकि मैंने मंगवा ली अपनी पर्सनल फेवरेट सुपर कार लंबोर्गिनी अवेंटाडोर, और अब मैं आपको सुनाता हूँ इसका साउंड। बुगाटी का सुना था ना, अब एक बार इसका साउंड सुनो। अब एक सेकंड, थोड़ा सस्ता एग्जॉस्ट लग गया शायद आज के दिन, बट ठीक है अभी हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं लंबोर्गिनी से। लेट्स गो, अब दिखाता हूँ गाड़ी भगाई कैसे जाती है। वो बुगाटी शायद उस पर मेरा ना अभी हाथ ऐसे। चलो भाई रेंटेड ऑफ, फुल रेडी है भागने के लिए और मैं भी रेडी हूँ इसको भगाने के लिए। स्पीड देखो बस अब। वेट वेट वेट, रास्ते तो ढंग से बना लो यार, उबड़ खाबड़ के पीछे गाड़ी उछल गई। बट ठीक है भाई, तुम्हारा भाई लपेट देगा बस, क्योंकि इसकी ब्रेकिंग पे मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है। ये अगर अगर हल्की सी स्लिप हुई ना, पहाड़ से कूद जाएगी नीचे। जो भी भाई, तुम्हारा भाई इस गाड़ी को तो यहाँ से चला रहा है भाई, ये अपने मतलब की है। ऑलराइट गाइस, तो भी तो बहुत ही तगड़ा रास्ता आ चुका है और तुम्हारा भाई यहाँ पर खींचने वाला है 100 पार। 100 नहीं, मैं 200 भी पार कराऊंगा, बस थोड़ा टर्न नहीं यार, टर्न नहीं। ये पहाड़ वाले रास्तों में टर्न बड़ी जल्दी जल्दी आ जाते हैं, बट ठीक है उसके बाद स्ट्रेट रास्ते भी आते हैं। भाई एक सेकेंड यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं गाड़ी पहाड़ों में चढ़ा रहा हूँ या फिर उतार रहा हूँ। मतलब अभी तक एकदम सही जा रही थी, मैं तो नचान क्या बोल रहा हूँ, हाँ मतलब अचानक से पता नहीं कहाँ पर ये रास्ता उल्टा हो गया, गाड़ी वापस नीचे आने लग गई। शायद मैंने कोई गलत कट ले लिया या फिर यही कोई रास्ता जो कि दूसरे माउंटेन से कनेक्ट होगा, बट जो भी है भाई रास्ता तगड़ा 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 तगड़ा। रुक जा बस यार, अपना लैम्बोर्गिनी में तगड़ा हाथ बैठा भाई, चढ़ा देते तुरंत 100, फिर उसके बाद टाइम पे उतार भी देता हूँ। ठीक है रास्ता सही है। आई थिंक गाइस मैं पहुँचने वाला हूँ वैसे माउंटेन के टॉप पे, क्योंकि जो ये रास्ता जा रहा है ना, मैं इसके अकॉर्डिंग बहुत हाइट पर आ चुका हूँ। यार से बस रुक तो जाते हैं भाई। So guys, जिस लोकेशन पर मुझे पहुंचना था ना, उसके आगे से मैं दो बार होकर निकल गया और मेरे को पता नहीं चला कि ऑफ रोडिंग पर जाने का रास्ता वहीं से था। खैर ठीक है, अभी मेरे को पता चल चुका है ये जो बस स्टॉप है इसके आगे वाले कट से मुझे अपनी गाड़ी को यहाँ राइट में मोड़ना है, और मैं अपनी लैम्बोर्गिनी को शायद से गलत जगह पर ले आया हूँ, बट ठीक है ऑफ रोडिंग वाला रास्ता भी यही है और शायद मुझे इस गाड़ी को एटलीस्ट यहाँ पर रोकना होगा, इसके बाद पैदल चलते हैं। मैं काम करता हूँ यहाँ पर रोकने से बढ़िया ना पीछे कहीं साइड में पार्क कर देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है यस, तो ये जगह काफ़ी बढ़िया और क्या प्यारी लग रही है यार यहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी हुई। डन, तो अभी गाड़ी से उतरते हैं और चलते हैं दूसरी लोकेशन पे। ऑलराइट, तो अभी फिलहाल मैं साइलेंट के एकदम टॉप पे आ चुका हूँ और मेरे बैक साइड में एक बहुत तगड़ा लेक है और उसके फ्रंट साइड में ऑफरोडिंग किंग खड़ा हुआ है, डिफेंडर। लेट्स गो, इसके अंदर बैठते हैं और स्टार्ट करते हैं ऑफ रोडिंग। मुझे इसको माउंटेन से नीचे लेकर जाना है बट ऑफ रोडिंग रास्ते यूज करके। वैसे मुझे गाड़ी तो यार देखो पीछे ही निकालनी है, बट मेरा ऐसा मन कर रहा है ना कि प्रॉपर एक इस तरीके का राउंड मार के आता है। देखो इधर से यहाँ पर थोड़ी मिट्टी शिट्टी है, यहाँ से गाड़ी निकालेंगे फिर ऐसे घुमा के यहाँ से ले जाएंगे और फिर ले जाएंगे प्रॉपर यहाँ से नीचे। रास्ते बहुत डेंजरस होने वाले हैं, वापस चलता हूँ गाड़ी में। डन भाई, स्टेयरिंग थोड़ी सी सीधी कर लेता हूँ और मुझे थोड़ा ध्यान से ही निकालनी है, बस आराम आराम से नीचे ले जाऊंगा। अरे वेट ओए ओए, एक सेकंड भाई, डिफेंडर है। ओ भाई ये तो डेंजरस मामला है। आराम से बढ़िया बढ़िया। और एक सेकंड, टायर तो पूरे कीचड़ में धस चुके हैं, मेरे को अभी भी थोड़ा ध्यान से ही निकालना है। डिफेंडर है यार ये गाड़ी कहीं पर अटकने नहीं वाली। और मैंने पत्थर पे चढ़ा दी और इस गाड़ी ये कूदी तो ऐसे जैसे छोटे बच्चे कूदते हैं। ये मड बहुत ज़्यादा ही हैवी टाइप है यार, मतलब डेंजरस है। चल चल चल, बहुत सही आराम से निकालना है।
वैसे यार मेरा ना ये बहुत ही घटिया डिसीजन था इस कीचड़ से गोल चक्कर कटाना, क्योंकि यहाँ पर यार सच में बहुत बहुत बुरी तरह फंस रहा है मेरा टायर गाड़ी का। एंड यस, जैसा कि मुझे पता ही था इधर अपनी गाड़ी अटकने वटकने नहीं वाली, प्यार से निकल आई है भाई गाड़ी बाहर। अभी स्टार्ट हुआ है असली टास्क, और वेट भाई गाड़ी तो ऐसे फिसल रही जैसे बर्फ पे चल रही हो। भाई मुझे नहीं पता, मैं बस जैसे तैसे गाड़ी को इस जगह से बाहर निकाल रहा हूँ, क्योंकि यार ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग है, देख रहे हो क्या हाल हो चुका है गाड़ी का। और एकदम आराम आराम से बढ़िया। चलो भाई अभी जाके थोड़े रास्ते चैन की सांस लेने वाले आई थे, बट वेट पत्थर यहाँ दोबारा आ चुके हैं, यहाँ से भी निकाल लूँगा इजी। भाई स्टेयरिंग इस टाइम पर तो भाग रहा है ना मेरे हाथों से ये एकदम ऐसा ढीला नहीं है, बहुत एकदम पत्थर हो रखा है। जिस टाइप के नीचे रास्ते हैं उसी टाइप से ये भी हार्ड हो रखा है। अबे यार इतना कीचड़ कम था क्या, यहाँ पर भी इतना कीचड़ भरा हुआ है। अबे भाई ये तो फंसी गई, निकल जा निकल जा। यस यस हो जाएगा हो जाएगा, बढ़िया बढ़िया बाहर आ गए भाई, लेट्स गो। अबे क्या, कंग्रेचुलेशंस, आगे वाला बम्पर अपना पूरा ही टूट चुका है। ओ भाई फाइनली फाइनली जाके ये महंगी वाली ऑफ रोडिंग खत्म, और अभी शायद से अभी श्योर नहीं हूँ, सस्ती वाली ऑफ रोडिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है। कीचड़ ना आए बस। भाई गाड़ी को मैं काफ़ी नीचे तक तो लेकर आ चुका हूँ, बट रास्ता तो भाई उल्टा बिगड़ता ही जा रहा है। मुझे लग रहा था नीचे नीचे जाऊँगा ठीक होता जाएगा। वेट, वैसे अच्छी बात है तुम्हारे भाई ने गाड़ी अभी तक खाई में नहीं गिराई है। भाई साहब गाड़ी देख रहे हो कितनी ताकत लगा रही, पीछे से फ्लेम्स निकल रही है, बट पीछे वाला टायर तो फंस ही गया भाई, दलदल है तो। बट ठीक है भाई, डिफेंडर हर जगह से निकल जा रही है यार, ये डेंजरस कार है। मुड़ जा, बढ़िया बढ़िया, कोई नहीं जा रहा खाई में। गाइस देखो, माउंटेन्स पर आप लोग मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो, मतलब मैं आपकी गाड़ी शाड़ी तोड़ दूंगा बट ऐसे खाई भाई में नहीं गिराऊंगा। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील आ रहा है कि गाड़ी का इंजन बस अब बंद पड़ने वाला है। चलो भाई फाइनली अभी जाकर मुझे थोड़ा बहुत सही रास्ता मिला, बस आराम से यहाँ से उतर जाए और मैं आइलैंड बस लैंड कराने वाला हूँ। भाई सच बता रहा हूँ, गाड़ी चढ़ाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा टॉप पे, मतलब हाँ अपनी बुगाटी ठुक गई थी वहाँ थोड़ा बहुत टाइम चला गया, बट उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगा। लेकिन गाड़ी उतारने में जो बैंड बजी है ना, मेरी दलदल में बार बार फंस जा रही थी और मैं पहुँच गया नीचे। अबे हेलो, हाँ पहुँच गए भाई, लेट्स गो। अपनी गाड़ी में सही सलामत तो नहीं कहूँगा, मतलब थोड़ी आगे से तोड़ दिया, थोड़ी पीछे से तोड़ दिया, ज़्यादा नहीं 1.5 करोड़ का खर्चा तो मैंने करा ही दिया, बट फाइनली मैंने अपनी गाड़ी को वापस ले आया नीचे। एक बार ही आगे लेकर चलता हूँ, वहाँ पर यार मेरी मस्टैंग भी तो खड़ी होगी ना, मैंने यहीं कहीं पर खड़ी करी थी। बट यार मानना पड़ेगा, ये गाड़ी इतनी ठुकने के बाद, इतना भिड़ने विड़ने के बाद भी एकदम बढ़िया चल रही है। ये लो भाई वापस पहुँच गए मस्टैंग पे, लेट्स गो। इस गाड़ी को पार्क कर देते हैं भाई यहाँ पे, लेट्स गो। भाई गाड़ी चलाने में तुम्हारा भाई है तो प्रोफेशनल। तो गाइस आप लोग ड्राइविंग देखो और अब मुझे जाकर बताना कि मुझे 10 में से कितने नंबर मिलने चाहिए। पहले एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा ढंग के रास्ते पे चले जाओ। बढ़िया, ये वाले रास्ते पर मैं अभी तक पहले एक बार भी नहीं आया था। अब यहाँ पर थोड़ी सी रेस देते हैं, और भाई वेट, ब्रेक, प्यास, लेफ्ट, फुल रेस। बढ़िया, बुरी ड्राइविंग नहीं है भाई, मस्त चल। नीचे वाले रास्ते पे लेकर चलता हूँ, रास्ते में ऊपर गया। ओ वेट, ये कौन से रास्ते पे आ गया मैं, ठीक से भाई ये तो कुछ अलग ही जगह, यहाँ पहले नहीं आया था मैं भाई, लेट्स गो। क्या साउंड आ रहा है यहाँ पर, जान भाई मैं सच में परफेक्ट हो चुका हूँ। ये काफ़ी पतले पतले रास्ते हैं, हाँ यहाँ पर ट्रैफिक नहीं है इसलिए थोड़ा बहुत ईजी हो रहा है, बट फिर भी यार ट्रैफिक होगा तो ऑब्वियसली मैं इतनी तेज़ नहीं चलाऊंगा। अभी मैं बहुत तेज़ भगा भी तो रहा हूँ 100-150 पे, पर हाँ यार भगाऊँ क्यों ना यार, इतने प्यारे रास्ते हैं तो बंदा 100 या 500 पे चलाना पसंद करेगा यहाँ पर। तो चलो यार आज की साली वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो और मेरी ड्राइविंग अच्छी लगी होगी, अगर थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी तो यार जाकर वीडियो को लाइक कर दो, और इस टाइप की और भी क्रेजी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नीचे जो रेड कलर का बटन आ रहा है उसे जाकर दबा दो भाई, बिल्कुल फ्री है यार। और हाँ कॉमेंट्स में जाकर जरूर बताना कि आपकी फेवरेट कार कौन सी है।